गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट, ये लेसन 2 है, उसकी एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, धरती की शोभा किसने बढ़ाई थी? ब्राह्मण ने, राजपूतों ने, आर्यों ने, राजा ने। ये आर्यवर्त है और इसकी शोभा आर्यों ने बढ़ाई थी, जैसा कि इस पत्र में सुभाष जी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्यों ने। बोलो माँ हम कब तक सोते रहेंगे, ये प्रश्न किया था माँ ने, पिता ने, राजा ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने। पाप पूर्ण युग में कैसे लोगों को लूटा रहेगा? पाप पूर्ण युग में बुरे आदमियों का, साहसी आदमियों का, किसी का नहीं, या भले आदमियों का। राइट आंसर होगा इसका भले आदमियों का लूटा रहेगा। नेताजी ने उत्तर देने के लिए क्या कहा? दो पत्र। नेताजी ने उत्तर देने के लिए कहा दो पत्रों का, कहा पत्र का, कहा एक प्रश्न का, किसी का नहीं। नेताजी ने उत्तर देने के लिए कहा था किसका? पत्र का उत्तर देने के लिए कहा था। राइट आंसर क्या होगा? पत्र का। खाली जगह है, खाली जगह भरना है आपको। कुशल, पछतावे, स्वार्थ रहित, महिला, प्रतीक्षा। पहले खाली जगह, वे एक सुसज्जित महिला थी, पहले में क्या आंसर आएगा? महिला। और अब प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, दूसरे में क्या आएगा? प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। तीसरा, एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित, यानी तीसरे में क्या आएगा? स्वार्थ रहित होता है। चौथा, इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। राइट आंसर क्या है? पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगे। क्या खाली जगह में आएगा? पछतावे। पांचवा, मुझे आशा है कि हम सब वहाँ सब कुशल होंगे। क्या आएगा? कुशल होंगे। पांचवा क्या आएगा? कुशल होंगे। क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये प्रश्न नंबर 1 है, सुभाष चंद्र बोस की माता का क्या नाम था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती था। क्या नाम था? प्रभावती। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने क्या व्यक्त किया है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने क्या व्यक्त किया है? उत्तर है, प्रसिद्ध पाठ में लेखक ने देश व धर्म की दुर्दशा को व्यक्त किया है, उस समय की देश धर्म की स्थिति को व्यक्त किया है। लेखक ने किसे पत्र लिखा? लेखक ने अपनी माँ को पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने कहाँ के समाचार जानने को चाहे थे? लेखक ने कलकत्ता के समाचार जानने को चाहे थे। एक माँ का जीवन कैसा होता है? उत्तर है इसका, एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। कैसा होता है? एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। प्रश्न नंबर 6 है, अपने मन की भावनाओं को नेताजी किसके सामने व्यक्त करते थे? उत्तर है, अपने मन की भावनाओं को नेताजी अपनी माँ के सामने व्यक्त करते थे। प्रश्न नंबर 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से पत्र लिखा था? तो उत्तर है, और पत्र किसे लिखा था? उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रांची से पत्र लिखा था और पत्र अपनी माँ को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेताजी को किस बात का दुख हुआ? नेताजी को किस बात का दुख हुआ? उत्तर है, नेताजी को पिछला पत्र ना पढ़ने का दुख हुआ। नेताजी ने पहला पत्र भेजा था, वो पढ़ नहीं पाया हुआ, तो कहा नेताजी ने कहा मुझे दुख होगा आपने पहला पत्र नहीं पढ़ पाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इतना अधिक पाप और जनधन के लिए दुख और कष्ट, ये सब किसका परिणाम है? उत्तर है, इतना अधिक पाप और जनधन के लिए दुख और कष्ट, नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला होने का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 10, नेताजी की प्रभु से क्या प्रार्थना है? नेताजी की प्रभु से क्या प्रार्थना है? उत्तर है, नेताजी की प्रभु से प्रार्थना है कि संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। क्या? संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। ये शब्द अर्थ है, अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ समय, गर्त अर्थात गड्ढे, टोटा होना अर्थात कमी होना, तिलांजलि अर्थात त्याग देना, पतित अर्थात गिरे हुए, समयाभाव समय न मिलना, स्वर्णिम अर्थात सुनहरा, सार्थकता अर्थात उद्देश्य पूर्ण होना। थैंक यू।